इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। पीएम मोदी की ये चेतावनी हमने आपको क्यों दिखाई वो आगे बताएंगे, लेकिन खबर की शुरुआत आज एक ऐसे सवाल से करेंगे जो आपको हिलाकर रख देगा। सवाल है कि क्या इसराइल में कभी ऐसी फिल्म बन सकती है जो हमास के आतंकियों का पाप धोने की कोशिश करे? क्या कभी इसराइल में ऐसी फिल्म बन सकती है जो मासूम यहूदियों को मारने वाले हमास के आतंकियों की असली पहचान जानबूझकर छुपाए? और क्या कभी इसराइल के लोग ऐसी फिल्म को देखने जा सकते हैं? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, मगर भारत में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। भारत में बैठे सैकड़ों लोग आज भी आपको पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ते दिख जाएंगे। अमन की आशा वाले यही लोग आज अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज IC 814 की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस वेब सीरीज ने पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया है, हालांकि वेब सीरीज बनाने वाले यही चाहते थे। इस वेब सीरीज को इतने गजब तरीके से पेश किया गया है कि शिकार भी हिंदू और चारा भी हिंदू। आप जानते ही हैं कि IC 814 नाम की इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे भारत में बंद कुछ आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए पाकिस्तान के आतंकियों ने एयर इंडिया के एक प्लेन को हाईजैक कर लिया था। यात्रियों को 7 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। कई लोगों का आरोप है कि जानबूझकर इस वेब सीरीज में पाकिस्तान के आतंकवादियों की असली पहचान को छुपाया गया, जबकि उनके कोड वर्ड्स वाले नामों को जमकर दिखाया गया है। ये बात सही है कि इन आतंकवादियों ने हाईजैक के दौरान अपने असली नामों की जगह कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया था। वेब सीरीज में इन कोड वर्ड्स को सही बताया गया है, लेकिन असली नामों को गायब कर दिया गया। जैसे इब्राहिम अतहर के लिए चीफ, शाहिद अख्तर सईद के लिए डॉक्टर, सनी अहमद के लिए बर्गर, मिस्त्री जहूर इब्राहिम के लिए भोला और शकीर के लिए शंकर नाम का कोड वर्ड इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आपत्ति इस बात से है कि आतंकियों के कोड वर्ड वाला नाम तो वेब सीरीज में बार बार लिया जा रहा है, लेकिन उनके असली नाम छुपा दिए गए। लोग बोल रहे हैं कि ये सब कुछ इसलिए किया गया है ताकि इन आतंकवादियों की मुस्लिम पहचान छुपाई जा सके। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि आज की पीढ़ी, जिसे इस हाईजैक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उनके दिमाग में ये जहर भरने की कोशिश की जा रही है कि हाईजैक करने वालों के हिंदू नाम थे। सोशल मीडिया पर ही कई लोग तो अब ये कह रहे हैं कि अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो उसका कलावा दिखाकर उसे हिंदू ही साबित कर दिया जाता। सोशल मीडिया पर ही लोगों का कहना है कि तथाकथित हिंदू ही ऐसी फिल्में बनाते हैं और क्रिएटिव फ्रीडम की घुट्टी पीकर लिबरल हिंदू ऐसी फिल्मों की तारीफें करने लगते हैं। ये सभी हिंदू जाने अनजाने में इकोसिस्टम का ही शिकार बन रहे हैं। भले ही दबाव के बीच इस वेब सीरीज की शुरुआत में आतंकियों का असली नाम लिखा जा रहा है, लेकिन देश में काम कर रहा खतरनाक इकोसिस्टम और भी ज्यादा आक्रामक हो सकता है। इस इकोसिस्टम को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनौती दी थी। पीएम मोदी ने क्या कहा था वो आपको सुनवाते हैं। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा।